सो हे वेलकम बैक गाइस टू अनदर न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे आप लोग इजीली किसी भी लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक मेसी, रोनाल्डो, नेमार, एम्बापे, हालैंड जैसे प्लेयर्स को अपने DLS23 अकाउंट में ले सकते हो, इसी बारे में बात की थी। बट किसी भी प्लेयर्स को बाय करने के लिए सबसे पहले आपके अकाउंट में कॉइन्स का होना इज सो इम्पोर्टेंट। और सो लेजेंडरी प्लेयर्स को बाय करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। एंड आई नो यू डू नॉट हैव टू मच कॉइन्स फॉर बाइंग अ लेजेंडरी प्लेयर, तो चिंता मत करो, इसका भी इजी सॉल्यूशन है मेरे पास। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करके तुम इजीली बहुत सारे कॉइन्स फ्री में ले पाओगे और तुम्हारे सारे फेवरेट प्लेयर्स को बाय कर सकोगे बाय यूजिंग दोस कॉइन्स। ट्रिक 100% जेन्युइन और तुम सबके लिए एप्लीकेबल है, सो एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स नो द सीक्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल DLS23 गेम को ओपन कर लो, देन ओपन करने के बाद वेट 15 to 20 सेकंड इन द लॉबी। आफ्टर 20 सेकंड क्लिक ऑन द टीम सेक्शन और लाइव ट्रांसफर सेक्शन, तो तुम्हें एक एड रिकमेंडेशन होगा। देन वॉच वीडियो पे क्लिक करके तुम्हें पूरा एड देख लेना है, बिकॉज बदले में तुम्हें 30 कॉइन्स रिवॉर्ड में मिलेंगे। मतलब तुम जितनी बार एड्स देखोगे 30 कॉइन्स करके मिलते रहेंगे। बट DLS23 में एक मैच खेलने के बाद ही एक एड रिकमेंडेशन आता है, वो भी सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। नाउ इस ट्रिक को यूज करने के बाद तुम्हें एड्स देखने के लिए मैचेस खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मैचेस खेले तुम एड्स देख पाओगे और कॉइन्स कलेक्ट कर पाओगे। मैंने भी इसी ट्रिक का यूज करके बहुत सारे कॉइन्स फ्री में कलेक्ट करे हैं और तुम भी कर सकते हो। अब हमारे ट्रिक पर वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, तुम्हें 15 से 20 सेकंड गेम लॉबी में वेट करना है, फिर उसके बाद तुम्हें एड रिकमेंडेशन आएगा, तो उस एड को पूरा देख लेना है जो कि 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स का होता है। और जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में 30 कॉइन्स ऐड हो जाएंगे तुम्हें डायरेक्ट गेम से बैक आ जाना है। देन बैक आने के बाद अपने मोबाइल के होम स्क्रीन को पूरा रिफ्रेश कर लेना है। इससे ये होगा कि तुम्हारे डिवाइस के बैकग्राउंड में चल रहे सारे रनिंग एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे। देन ये स्टेप कम्प्लीट करने के बाद तुम्हें फिर से गेम को ओपन कर लेना है और वही सेम ट्रिक को रिपीट करना है। मतलब कि गेम लॉबी में 20 सेकंड वेट करना, देन कॉइन्स कलेक्ट करना, देन फिर से बैक आना, देन फिर से रिफ्रेश करके गेम को ओपन करना, यही सेम ट्रिक को बार बार रिपीट करना है। तुम जितनी बार इस ट्रिक को रिपीट करोगे तुम्हें उतनी बार कॉइन्स मिलते जाएंगे। बट यू नीड टू हैव पेशेंस एंड आई स्वेयर ये ट्रिक 100% जेन्युइन है। और मैंने इसी ट्रिक का यूज करके 0 to 15,000 कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। एंड 15,000 कॉइन्स कलेक्ट करना इज नॉट अ जोक। क्या तुम्हें पता है अगर तुम 15,000 कॉइन्स DLS के स्टोर से परचेस करते हो तो तुम्हें कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे? मैक्सिमम 3,500 रुपीज, मतलब कि 3,500 रुपए तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे 15,000 कॉइन्स को लेने के लिए। और क्या कोई एक गेम में 3,500 रुपीज खर्च करना चाहेगा? मैक्सिमम लोग नहीं चाहेंगे। बाय द वे अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, सेम इस ट्रिक को फॉलो करो देन अप्लाई करो। और अगर ट्रिक में कुछ प्रॉब्लम आए तो तुम एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन ऑफ करके फिर से ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर तुम मेसी या रोनाल्डो को इजीली अपने अकाउंट में लेना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मैंने इसमें बताया है कि कैसे सिंपली तुम किसी भी लेजेंडरी प्लेयर्स को बाय कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तुम लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।